नमस्ते दोस्तों, अगर आपको केवल ये जानना है कि कोरोना वायरस से बचते कैसे हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, तो यहां तक वीडियो को स्किप कर लीजिए, ओके? वहां वो टाइम स्टैम्प पर क्लिक कीजिए। पर अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी चाहिए और उसके बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, मैं खुद एक सर्टिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। पिछले 2 या 3 हफ्तों से मैंने केवल कोरोना वायरस बीमारी के बारे में पढ़ा है और मेरा ये मानना है कि अगर आपको इस बीमारी के बारे में और जानना है तो आपको 2 इंसानों की बात सुननी चाहिए। पहले तो माइकल ओस्टर होम, ये एक एपिडेमियोलॉजी एक्सपर्ट है। एपिडेमियोलॉजी एक्सपर्ट मतलब इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी सिचुएशंस के बारे में पढ़ा है, ऐसी परिस्थितियों के बारे में पढ़ा है। कोरोना वायरस जैसे, जब कोरोना वायरस चाइना से निकल कर आया ना, तब इनका काम और भी ज्यादा हो गया। ये पूरे टाइम इस डिजीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इस डिजीज के स्प्रेड के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। इन्होंने हाल ही में जो रोगन के साथ एक बढ़िया पॉडकास्ट किया था, मैं नीचे लिंक कर दूंगा, वो देखिए इसके बाद। पर उसी पॉडकास्ट के हाइलाइट्स मैं इस वीडियो में डाल रहा हूं। और माइकल ओस्टरहोम के अलावा आपको एक और इंसान की बात सुननी चाहिए, डॉक्टर लूक कुटिनियो की। ये एक लाइफस्टाइल कोच है, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है। डॉक्टर लूक कुटिनियो की स्पेशलिटी है कि ये कैंसर पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनकी रिकवरी में उनको हेल्प करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में उनको हेल्प करते हैं। और अगर कोरोना वायरस की बात की जाए ना, तो ये शब्द इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, पहले कोरोना वायरस के बारे में और जानो। तो ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ हुआ? वुहान चाइना में। ये चाइना में एक छोटा सा शहर है, वुहान में था एक वेट मार्केट। वेट मार्केट बेसिकली एक नॉनवेज का मार्केट होता है, जहां उसी मार्केट में काफ़ी सारे जानवरों को मारा जाता है और उनका मांस बेचा जाता है। पर उस वेट मार्केट की स्पेशलिटी है कि चिकन, फिश, मटन के साथ साथ वहां बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को भी बेचा जाता है। जो जानवर जंगलों में घूमते हैं, जैसे कि पैंगोलिन, बंदर, चमगादड़, उनको भी वहां मारकर उनका मांस बेचा जाता है। देखो, कोरोना वायरस एक नया प्रकार का वायरस है। वायरसेस की कैरेक्टर क्या होती है कि वो रीइन्वेंट करते खुद को और अपने स्ट्रक्चर बदल के कुछ ज़्यादा डेंजरस बन जाते हैं। कोरोना वायरस से पहले आया था इबोला अफ्रीका में, और उसके पहले आया था सार्स वहीं चाइना में। पर कॉमन फैक्टर क्या था? यही वेट मार्केट, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स के, जो जंगल के एनिमल होते हैं ना, जो जंगल के जानवर होते हैं, उनका मांस अगर एक इंसान ने खाया तो फिर वो वायरसेस ट्रांसफर होते हैं वो जानवर से इंसान की बॉडी में। और स्पेसिफिकली कोरोना वायरस की बात की जाए तो पहले के 41 केसेस में से 27 केसेस वहां गए थे, वुहान मार्केट में गए थे, और वहां से पूरे चाइना में स्प्रेड हो गया और चाइना में से पूरे दुनिया में स्प्रेड हो गया कोरोना वायरस। अभी कोरोना वायरस के बारे में कुछ की फैक्टर्स जानिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भी कोरोना वायरस हो गया है? बेसिकली जुकाम के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं? एक बहती हुई नाक, थोड़ा सा बुखार, थोड़ी सी खांसी, एक खराब गला, ये सिंपल सिम्टम्स होते हैं। पर इस प्रकार की स्थिति में ना, इट कैन बी कोरोना वायरस, ये याद रखिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपको भी ऐसा जुकाम हो गया तो आपको तुरंत खुद को चेक करवाना चाहिए हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के लिए, इस प्रकार की परिस्थिति में। पर चलो, एक और बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बात करते हैं, हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क। ये एक्चुअली लोगों की एक छोटी सी मिसकंसेप्शन है, एक गलत फहमी है लोगों की। क्यों? मैं समझाता हूँ। बेसिकली कोरोना वायरस माइकल ओस्टरहोम के अकॉर्डिंग एयर ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि वो वायरस हवे से ट्रांसफर होता है। हैंड सैनिटाइजर्स, हाथ धोने से डेफिनेटली आपका रिस्क कम हो जाएगा। ओके दोस्तों, हाइजीन ना, खुद को साफ सुथरा रखना एक लाइफ का रूल होता है। अगर आपको खुद की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो खुद के हाइजीन पर फोकस कीजिए, खुद की बॉडी को साफ रखिए। इसलिए आपको हाथों को रेगुलरली धोना ही चाहिए, हैंड सैनिटाइजर्स का भी यूज करना ही चाहिए। पर एक और चीज जानो, कोरोना वायरस है एयर ट्रांसमिटेड माइकल ओस्टरहोम के अकॉर्डिंग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और माइकल ओस्टरहोम ने कहा कि जो मास्क अभी बाजार में मिलते हैं ना, वो मोस्टली सर्जिकल मास्क होते हैं और वो आपको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन नहीं देंगे। केवल एक ही प्रकार का मास्क है, N95 रेस्पिरेटर, और वो मास्क बहुत ही एडवांस प्रकार का मास्क होता है जो आजकल बाजार में मिलता नहीं, आसानी से मिलता नहीं। अगर आपको उस प्रकार का मास्क मिल गया, गुड, यू विल बी प्रोटेक्टेड। बट आपको ये भी जानना चाहिए कि कोई रेगुलर सर्जिकल मास्क से आपको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आई बात हैंड सैनिटाइजर की, हाथ धोने की, ये एक लाइफ का रूल होता है यार। जैसे आप सुबह सुबह ब्रश करते हो ना, ये भी एक रूल होना चाहिए कि रेगुलरली आपको हाथों को धोना चाहिए, वो जर्म्स को मिटाता है, ठीक है? और ये कोई भी प्रिवेंटिव मेडिसिन का डॉक्टर आपसे कहेगा ही, सिर्फ कोरोना वायरस के टाइम नहीं, आपके लाइफ का रूल होना चाहिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए।
तो मान लो अभी एयर ट्रांसमिटेड है ये वायरस, तो आप खुद के लिए क्या कर सकते हो? आपको पहले तो ये चीज़ जाननी चाहिए, करोना वायरस की एक खास बात है कि इसकी फेटालिटी रेट अकॉर्डिंग टू WHO अकॉर्डिंग टू मार्च 2020 है 3.4%। 3.4% मतलब कि अगर 1000 लोगों को करोना वायरस हो गया तो उसमें से केवल 34 लोगों की रिकवरी नहीं होगी, बाकी के सारे लोगों की रिकवरी डेफिनेटली हो जाएगी करोना वायरस से। अभी 3.4% सुनकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो एक छोटा नंबर है, पर एक और चीज़ याद रखिए कि करोना वायरस केवल 1000 लोगों को नहीं होने वाला है, बहुत सारे लोगों को होने वाला है, करोड़ों लोगों को करोना वायरस की इन्फेक्शन होने वाली है। और अगर करोड़ों की बात की जाए तो 3.4% ऑफ 1 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ 10 करोड़ उससे भी ज़्यादा होता है, वो याद रखिए। इसलिए उस वायरस के बारे में और जानिए, एक और चीज़ जानिए जो माइकल ओस्टरहोम ने कही, और वो चीज़ थी ये, जितने भी फेटैलिटीज़ हुई है यानी कि करोना वायरस से जितने भी मौत हुए हैं उन पर रिसर्च हुई है, और एक चीज़ पता चली है कि यार मोस्टली डेथ्स हैपन इन ओल्डर पेशेंट्स। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो आपके चांसेस ऑफ डेथ थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और एक और चीज़, इन्होंने वायरस की स्टडी की थी ओल्डर चाइनीज़ मेन में, जो पुरुष है, चाइनीज़ पुरुष है जिनको करोना वायरस हो गया था उसमें स्टडी की थी, और ये पता चला कि अगर वो इंसान स्मोक करते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, तो उनके डेथ के चांसेस 3.4% से 10% हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि स्मोकिंग से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपकी खुद की बॉडी कोरोना के साथ फाइट नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से शायद आपकी डेथ हो सकती है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, और अगर आपकी लाइफस्टाइल बुरी है, तो माइकल ओस्टरहोम की एक और सजेशन, अगर आप एक ओबेसिटी के शिकार हो यानी कि मोटापे के शिकार हो, अगर आपके बॉडी का फैट परसेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी इम्यूनिटी फिर से कम हो सकती है, और उसकी वजह से फिर से कोरोना वायरस का खतरा है आपको, वो याद रखिए। अब आपको ये जानना चाहिए कि मान लो आपकी इम्यूनिटी कम है, या आपकी एज ज़्यादा है, या आपके बॉडी का फैट परसेंट बहुत ज़्यादा है, तो तब आपको क्या करना चाहिए। बेसिक प्रिवेंटिव मेजर है ये, बाहर ना पब्लिक स्पेसेस में जहाँ बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं वहाँ मत जाइए, घर पे रहिए ज़्यादातर। और एक और प्रिवेंटिव मेजर, आपको रॉ वेजिटेबल्स, रॉ मीट यानी कि कच्चा मांस, और रॉ एग्स यानी कि कच्चे अंडे, इन तीन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हटना चाहिए, ठीक है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, सबसे ज़रूरी प्रिवेंटिव मेजर, इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की खुद की ताकत। लूक कुटेनियो इंडिया के नंबर वन हेल्थ एक्सपर्ट है, नंबर वन इम्यूनिटी कोच है इन माई बुक्स, और वो कहते हैं कि आपकी बॉडी की ताकत ना करोना वायरस को फाइट करने के लिए काफ़ी है, पर अभी आपको बॉडी की खुद की अंदर की ताकत बढ़ानी है। तो आप कैसे बढ़ाओगे? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर। मान लो आपके बॉडी के अंदर एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं इम्यूनिटी, वो बिल्कुल एक आग की तरह है, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर कीटाणु आते हैं, जर्म्स आते हैं, तो उस आग की वजह से ना वो कीटाणु मर जाते हैं। आपको उस आग को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है, उस आग में शक्ति डालनी है। आप कैसे डालोगे? आपको अपने डाइट पर फोकस करना है। आप क्या खाओगे अपने डाइट में? पहले गार्लिक, लहसुन आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, फिर स्टार एनिस या चक्रफूल, उसके बाद विटामिन सी यानी कि नींबू या संतरे, कोई भी सिट्रस फ्रूट्स, या नाइट शेड वेजिटेबल्स जैसे कि कैप्सिकम या बेल पेपर्स, ठीक है। अभी आपको एक और चीज़ याद रखनी चाहिए, स्टार एनिस और नींबू और अदरक, वो भी एक और चीज़ होती है। इन तीनों चीज़ों की बात की जाए ना, तो हर सुबह पानी में स्टार एनीस के साथ साथ, चक्रफूल के साथ साथ अदरक को बॉईल कीजिए, और फिर बॉईल करने के बाद उसमें नींबू स्क्वीज कर दीजिए, वो हर सुबह आपको पीना चाहिए, एक इम्यूनिटी ड्रिंक की तरह होती है। इनके अलावा आपको प्रोबायोटिक्स पर फोकस करना है। प्रोबायोटिक्स यानी कि दही, आपके बॉडी के अंदर एक प्रकार का गुड बैक्टीरिया होता है, अच्छा बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर होता है, और उस गुड बैक्टीरिया की वजह से फिर से आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। या तो दही आपको ज़्यादा खानी चाहिए, या ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर आपको कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई प्रोबायोटिक्स की। अभी बात आती है जिंक एंड सेलेनियम की। ये आपके बॉडी में मिनरल्स होते हैं, और अगर इनकी क्वांटिटी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो फिर आपकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। आपको जिंक और सेलेनियम कहाँ से मिलता है? आपको ये मिलता है आमंड्स यानी कि बादाम और पिस्ता या पिस्टैचियो से, ठीक है। ये दो चीज़ें भी आपके डाइट में होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको पम्पकिन सीड्स मिल जाए या वाटरमेलन सीड्स मिल जाए
तो फिर आपकी इम्यूनिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी. ओके, एंड फाइनली एक और चीज पर फोकस कीजिए, पानी. बहुत सिंपल है, खुद की बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए. जितना ज्यादा पानी रहेगा आपके बॉडी में, उतनी ही ज्यादा आपके बॉडी की डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर रहेगी. यानी कि जो आप ये स्टार एनीस, अदरक, लहसुन खा रहे हो, उसकी अब्जॉर्प्शन और ज्यादा हो जाएगी. पानी पर फोकस कीजिए. और उसके साथ साथ फाइनली मैं कुछ आयुर्वेदिक सजेशंस भी देना चाहूँगा. हल्दी अपने डाइट में डेफिनेटली आपको रखना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी एकदम ज़्यादा बढ़ जाएगी. उसके साथ साथ तुलसी और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिरी पर भी फोकस करना चाहिए. हल्दी और काली मिरी को अगर आपने साथ में मिलाया और साथ में कंज्यूम किया, मान लो आप हल्दी का दूध पी रहे हैं, उसके साथ साथ थोड़ी काली मिरी डाल दो उसमें, हल्दी की अब्जॉर्प्शन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है. तुलसी ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्पाइक कर देती है. पर ये हो गई डाइट की बात. एक और बहुत ज़रूरी फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उस फैक्टर का नाम है स्ट्रेस. स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी क्यों कम हो जाती है? अगर आप ज़्यादा सोचोगे कि यार कल मुझे करोना वायरस हो गया, अरे यार कल मैं करियर में क्या करूँगा, अरे यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के जाएगी, ये चीज़ें ना आपके मन में स्ट्रेस ऐड कर देती हैं. आपके बॉडी की रिस्पॉन्स, जब बॉडी खुद में स्ट्रेस देखती है ना कि यार इतना स्ट्रेस आ गया बॉडी में, अब मैं क्या करूं, बॉडी एक चीज़ को प्रोड्यूस करती है और उस चीज़ का नाम है कॉर्टिसोल. या आपके बॉडी में एक हार्मफुल हार्मोन होती है, कैटाबॉलिक हार्मोन होती है, आपके बॉडी को अंदर से डिस्ट्रॉय करती है. छोटी क्वांटिटी में कॉर्टिसोल आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है, पर अगर आपके पूरे लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल है ना आपके बॉडी में, तो फिर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है. अगर आपको कॉर्टिसोल कम करना है तो ये है सजेशंस. पहले तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट करना चाहिए, उससे ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस इन लाइफ कम हो जाता है, आपकी ओवरथिंकिंग भी कम हो जाएगी. यहाँ वहाँ दिमाग भागता है ना, तो दिमाग एक्सरसाइज की वजह से थक जाएगा. सेकेंड, वेरी क्रूशियल, अपने नींद पर फोकस करना चाहिए, स्लीप पर फोकस करना चाहिए. हर रात 7 या 8 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए, स्पेशली इस प्रकार की परिस्थिति में. ओके, तीसरी चीज़ पर्सनल सजेशन है, मेडिटेशन की आदत स्टार्ट करो. अगर आपने सोने से पहले 20 मिनट मेडिटेशन की, तो ट्रस्ट मी आपका ओवरऑल लाइफ का स्ट्रेस अगले दिन कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर आपने सोने से पहले किया ना मेडिटेशन, तो उसकी वजह से आपकी नींद भी एकदम गहरी नींद हो जाएगी. यार बहुत अच्छी नींद होगी, ट्राई करके देखिए. पर मेडिटेशन और एक्सरसाइज की, कसरत की भी आदत बनाइए, अच्छी नींद की आदत बनाइए. उसके साथ साथ फाइनल प्रिवेंटिव मेजर, दो चीज़ों को आपको हटाना चाहिए अपने बॉडी से, एक्चुअली तीन चीज़ों को. पहली दो चीज़ है सिगरेट और अल्कोहल. इन दोनों चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी. प्लीज़, अगर कोरोना वायरस से बचना है, एंड ट्रस्ट मी आपको भी इन्फेक्शन हो सकती है ऐसे माहौल में, अल्कोहल और सिगरेट से दूर रहिए. और तीसरी चीज़ जिससे आपको दूर रहना चाहिए है प्रोसेस्ड शुगर. ये लूक कुटीनियो के खुद की सजेशन है कि यार प्रोसेस शुगर, जो टेबल शुगर होती है ना, चीनी जो आप चाय में डालते हो, जो आप डिज़र्ट मिठाई में डालते हो, खीर में डालते हो, उससे आपको दूर रहना चाहिए. जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड शुगर रहेगा आपके डाइट में, उतनी ही कम आपकी इम्यूनिटी हो जाएगी. और अगर आपको और भी ज़्यादा काम करना है अपनी इम्यूनिटी पर, तो प्रोसेस्ड खाने से दूर हट जाइए. जो भी मैदे से बनाई हुई चीज़ें होती है ना, जो पैकेट से निकल कर आती हैं, जैसे कि पटेटो चिप्स, या जैसे कि आप घर फरसान लेके आते हो, या चकली लेके आते हो, जो आप नाश्ते में खाते हो ना, उस प्रकार की चीज़ों से दूर रहिए. नाश्ते में आपको केवल बादाम, पिस्ता, हेल्दी नाश्ता खाना चाहिए, फ्रूट खाने चाहिए. तो बेसिकली अपने डाइट को साफ सुथरा कर दीजिए. दैट इज़ माई बेसिक सजेशन फॉर कोरोना वायरस. दोस्तों ये था आज का वीडियो. मेरी फाइनल सजेशन आपके लिए है एक और चीज़, ये याद रखो कि इस प्रकार के माहौल में ना डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है, बट प्लीज़ पॉजिटिव रहिए इस सिचुएशन के बारे में. मान लो आपके आसपास किसी को कोरोना वायरस हो गया, किसी फ्रेंड को हो गया, किसी फैमिली मेम्बर को हो गया, आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? पहले तो डरो मत, खुद की इम्यूनिटी पर भरोसा रखो और उन्हें भी पॉजिटिविटी दो. हो सके तो उन्हें ये वीडियो दिखा दो. दोस्तों अगर आपने केवल अपनी इम्यूनिटी पर काम किया, खुद की बॉडी की शक्ति बढ़ाने पर काम किया, तो कोरोना वायरस को हरा पाओगे, कोरोना वायरस से बच पाओगे. ये याद रखो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगो. कोरोना वायरस बहुत ही गंभीर सिचुएशन है, पर बहुत सारे लोगों के लिए एक हेल्थ वेकअप कॉल भी है. अब समय आ गया यार, आपको अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करना है, अपनी सेहत को फिक्स करना है, अपनी बॉडी की ताकत को फिक्स करना है. बॉडी को शक्तिशाली रखो, मन को शक्तिशाली रखो और इम्यूनिटी को शक्तिशाली रखो. अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर, सी यू.